गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है फलन एफ एक्स दिया गया है x माइनस 2 इंटू में लॉग एक्स पर विचार करते हुए सिद्ध करें कि समीकरण x लॉग x बराबर में 2 माइनस एक्स और 1 और 2 के बीच x कम से कम एक मान के लिए अवश्य सत्य है। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं, रॉल्स थ्योरम के प्रयोग से इसे हमें साबित करना है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर में एक्स माइनस टू इंटू में लॉग एक्स। तो यहां देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक्स माइनस टू एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, और लॉग एक्स एक लघुगणकीय फलन है, लघुगणकीय गणकीय फलन है, फलन है। इसलिए एफ एक्स, एफ एक्स है ना, यह एक आपका बहुपद फलन है, यह लॉग एक्स आपका एक लघुगणकीय फलन है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो एफ एक्स है, एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल किस पर, तो अंतराल यहां से देख रहे हैं एक और दो दिया है, बंद अंतराल 1.2 पर संतत, पर संतत, और खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल 1 से 2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो हमने दिखा दिया कि यह संतत है और अवकलनीय है। चलिए अब मैं यहां पे अगर बात करूं एफ वन के वैल्यू की, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में लॉग 1। तो यहाँ पे माइनस वन और इंटू में लॉग वन का वैल्यू तो 0 होता है, तो यानी 0 आ जाएगा। एफ टू दोनों का वैल्यू चेक करना होगा ना कि एफ एफ बी के बराबर है कि नहीं, एफ वन एफ टू के बराबर है कि नहीं। चलिए इसमें रखते हैं, तो 2 माइनस 2 इंटू में लॉग 2, 0 इंटू में लॉग 2, तो यानी कि यहाँ भी 0 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ वन जो है एफ टू के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि यह जो फलन है एफ एक्स, यह बंद अंतराल 1.2 पर संतत हो जा रहा है, खुला अंतराल 1.2 में अवकलनीय हो जा रहा है, और एफ वन एफ टू के बराबर है। तब यहां हम लोग रॉल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है उसको लेते हैं, एक्स माइनस टू इंटू में लॉग एक्स, या इसका अवकलज निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर में, इसका u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x माइनस टू का 1 हो जाएगा इंटू में log x, प्लस x माइनस टू को वैसे ही रखे और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो f डैश x बराबर में यहाँ हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा x log x प्लस में x माइनस टू, यही ना आएगा आपका। चलिए तो लिखेंगे बाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स बराबर में 0 कर देंगे, एफ डैश सी या एफ डैश एक्स जो भी है, एक्स की जगह हम सी भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है ना वो एक्स के टर्म में ही है, इसलिए मैं ऐसे ही रख दे रहा हूं एफ डैश एक्स बराबर 0। चलिए एक्स लॉग एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस एक्स माइनस टू बटा में एक्स बराबर 0, ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस टू बराबर में 0, यानी कि यहां से आ जाएगा एक्स लॉग एक्स बराबर में, ये देखो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 2 माइनस एक्स, माइनस का 2 था इधर के प्लस का और प्लस वाला माइनस में, तो यही ना हमें दिखाना था, सत्यापित हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल 2.4 में संतत हो, खुला अंतराल 2.4 में अवकलनीय हो, और f2 बराबर 5 है, f4 बराबर में 13 हो, तो दिखाइए कि कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जहां c क्या है 2 से 4 के बीच में है, ताकि f डैश c बराबर हो। तो यहां आपको लगाना क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि यहां ये दोनों बराबर नहीं है, f2 f4 के बराबर रहता ना तब हम लोग किसके चलते, आपके रॉल्स थ्योरम से चलते, यहां मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है। यहां दिया है कि फलन एफ एक्स बंद अंतराल 2.4 में संतत तथा खुले अंतराल
खुले अंतराल, सॉरी खुले अंतराल 2.4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। और क्या दिया है, F2 बराबर में 5, F4 बराबर में 30। तो यहां पे लिखेंगे by mean value theorem F-C बराबर में क्या हो जाएगा, F4 माइनस F2 बटा में 4 माइनस 2। फॉर्मूला होता है ना FB माइनस FA बटा में B माइनस A। तो F-C बराबर में F4 का वैल्यू कितना है आपके पास 13, F2 का वैल्यू कितना है 5, और बटा में 4 में से 2 गया 2। ऊपर घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 बटा 2 कट के 4। इसलिए हमारा F-C जो आ गया आपका 4 हो गया, आ गया ना, ये सत्यापित हो गया। तो बहुत ही आसान चैप्टर है आपको, लेकिन दोनों वीडियो, शुरू वाले दोनों वीडियो अच्छे से समझना होगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कह रहा है कि यदि कोई फलन fx बंद अंतराल 0.3 में अवकलनीय हो, अच्छा, और f0 बराबर दिया है 10 और f3 बराबर दिया है 15, तो साबित करें कि कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जहां c 0 से 3 के बीच में है, ताकि f'c बराबर में 5 हो जाए। अच्छा, यहाँ आपका फंक्शन जो दे रहा है बंद अंतराल 0.3 में अवकलनीय है, तो जब अवकलनीय है, यहाँ पे दिया है कि फलन fx बंद अंतराल 0.3 में अवकलनीय है, जब वह अवकलनीय है तो इसलिए fx बंद अंतराल 0.3 में संतत होगा। जब वह अवकलनीय है तो वह संतत होगा, ये तो फिक्स है, ये तो आपको पता है, क्योंकि आप हम पढ़ा चुके हैं आपको कंटिन्यूटी में कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, लेकिन हर एक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो जब इस अंतराल में अवकलनीय, तो इसमें यह संतत भी होगा, और जब इसमें संतत है तो आप देख रहे हैं कि यह इस अंतराल बंद अंतराल में अवकलनीय हो जा रहा है, तो हम यहां तथा में लिख सकते हैं कि fx खुला अंतराल 0.3 में अवकलनीय होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, जब वो इसको भी इंक्लूड करके अवकलनीय हो जा रहा है, तो इसमें तो एकदम अवकलनीय होगा ही। चलिए, तो ये संतत और अवकलनीय हो गया। अच्छा, f0 बराबर में दिया है 10 और f3 बराबर में दिया है 25, तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, f'c बराबर में हो जाएगा f3 माइनस f0 बटा में 3 माइनस 0। चलिए, इसका वैल्यू कितना है, 25 माइनस 10 और बटा में 3, यानी कि f'c बराबर में हो जाएगा, घटेगा तो 15/3, काट देंगे 5, तो f'c 5 आ गया, ये ना मैं सत्यापित करना था। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा है यदि फलन fx तथा gx बंद अंतराल 1.3 में अवकलनीय हो, तो जाहिर सी बात है इस बंद अंतराल पर संतत भी होगा, ये तो पता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो दिखाइए कि कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जहां c 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, और इसे हमें साबित करना है ताकि ये बराबर हो। तो इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ देख रहे ना डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं एक फंक्शन मानना पड़ेगा तभी ना दिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना fx कैपिटल fx बराबर में फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से है, fa fx ga और gx, इस तरह से मान लेते, इसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलता हूँ gx, ठीक है। यह हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यह मान लेते हैं। अच्छा, अब यहां से आप fx का वैल्यू क्या दिखाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हो जाएगा आपका fa gx, और ऐसे इंटू होगा तो ये हो जाएगा gaf(x), ये ना होगा। चलिए, चूंकि आपके ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि fx और gx बंद अंतराल 1.3 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो वो तो संतत होगा ना जी, ये आपको पता है कि इतना में अवकलनीय है तो वो संतत होगा, क्योंकि इसमें अंतराल में जब अवकलनीय हो रहा है तो संतत होना वो निश्चित है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। चूंकि fx तथा gx
बंद अंतराल 1.3 में अवकलनीय है इसलिए fx तथा gx बंद अंतराल 1.3 में संतत होगा। जाहिर सी बात है संतत होगा ना जी। चलिए तो हर एक अवकलनीय फलन जो होता है उस अंतराल में संतत होता है। चलिए तो ये संतत हो गया। अच्छा ये भी हो जाएगा और fx तथा gx खुला अंतराल 1.3 में अवकलनीय होगा, क्योंकि बंद अंतराल पर अवकलनीय तो उस पर तो अवकलनीय होना ही है, एकदम फिक्स है अवकलनीय होगा। चलिए तो यहां देख रहे हैं कि fx और gx बंद अंतराल 1.3 पर संतत है और fx और ga, यहां देखो fa और ga अचर फलन नहीं है, अचर है, कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अतः fx भी बंद अंतराल 1.3, कौन से fx यानी कि ये फलन fx, इसकी बात हो रही है पूरे की, इस पूरे की बात हो रही है, 1.3 में संतत और खुला अंतराल 1.3 में अवकलनीय होगा। तो हमने अभी दिखा दिया कि यह fx फलन जो है संतत भी हो जा रहा है और अवकलनीय। क्यों संतत अवकलनीय है? क्योंकि fx और gx हमने दिखाया कि संतत और अवकलनीय है ना, अवकलनीय तो दिया था तो वो संतत भी होगा और संतत होगा। और यहां देख रहे हैं कि fa और ga ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट एक अचर राशि है और एक आपका फंक्शन है जो कि संतत है, वही अचर राशि और एक फलन जो है आपका संतत है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो अंतर आएगा वह भी आपका उस अंतराल में संतत और अवकलनीय होगा। तो यह फंक्शन संतत और अवकलनीय दोनों हो गया, यानी कि यह किसको फॉलो करता है, मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों नियमों को संतुष्ट कर रहा है, संतता और अवकलनीयता को संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ fx को लिखूं और इसको डिफ्रेंशिएट करूं fa इंटू में gx माइनस ga इंटू में fx, लिखता हूं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा fx बराबर में आ जाएगा आपका, ये तो कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, g' x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ga, ये कॉन्स्टेंट है, और इंटू में हो जाएगा आपका fx। चलिए तो जब दोनों नियम को फॉलो कर रहा है तो यहाँ बाई मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। तो यहां से अगर मैं fc की बात करूं तो fc किसके बराबर होता है आपका fb माइनस एफ ए, तो एफ बी, बी की जगह पे क्या है 3 है तो यहां मैं एफ 3 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे एफ 3 ले लेता हूं, एफ 3 माइनस एफ 1, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए यानी कि बटा में 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब वैल्यू को रखता हूं, एफ डैस सी का वैल्यू, एफ डैस एक्स का वैल्यू यह है तो एफ डैस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिख दो चूंकि a इक्वल टू क्या है आपका 1 है, अंतराल दिया ना 1.3 तो a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका f1 इंटू में g'c माइनस g1 इंटू में f'c, है ना, x की जगह c पुट कर दिया और a का वैल्यू 1 रख दिया, बराबर में आपका है f3 माइनस में f1 और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2, घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए एक काम करता हूं, अगर मैं इसे चाहूं तो इसे डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे लिख सकता हूं f1 g1 अच्छा f डैश c
जी डैश सी। देखो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसका सारणी का मान निकालोगे तो यही आ जाएगा। चलिए और ये दो भाग में है जो यहाँ के गुणा में, बच जाएगा आपका एफ थ्री माइनस एफ वन। अच्छा चूंकि आपका एफ एक्स बराबर ऊपर क्या था, तो एफ एक्स बराबर था एफ ए एफ एक्स बटा में जी सॉरी बटा के बोल रहा हूँ जी ए जी एक्स एफ जी एक्स, यही ना था आपका एफ एक्स, हम लोग यही माने थे ऊपर, यही आपका एक सारणी के रूप में ही ना था एफ ए एफ एक्स जी ए जी एक्स, ठीक है यही था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें थ्री पुट करूं और वन पुट करूं तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे रखता हूँ ना जी, रख सकता हूँ आसानी से। चलिए तो हो जाएगा आपका टू एफ वन एफ डैश सी और जी वन जी डैश सी बराबर में एफ थ्री का वैल्यू, तो इसमें रखेंगे ए का वैल्यू वन रख देंगे और एक्स के जगह थ्री पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो एफ वन एफ थ्री ए की जगह वन पुट करना है और एक्स की जगह थ्री पुट करना है, फंक्शन में एक्स की जगह थ्री पुट कर देना है और एक कांस्टेंट जो जिसका वैल्यू वन दिया है आपके क्वेश्चन में ही जी वन, अंतराल दिया था ना 1.3 उसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ हो जाएगा जी थ्री माइनस एफ वन, वन रखना है एक्स की जगह और ए का वैल्यू तो वन है ही, तो एफ वन यहाँ पे एफ वन जी वन और जी वन, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना दो कॉलम समान हो गए तो इसका मान जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा यानी कि टू इन टू में आपका डिटर्मिनेंट में है एफ वन एफ डैश सी जी वन जी डैश सी बराबर में एफ वन एफ थ्री और जी वन जी थ्री, इसका वैल्यू जीरो हो गया, समझ गए, तो सत्यापित हो गया यहां से, ये हमने इसको भी प्रूव कर दिया, समझ गए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव से देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। चलिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, इसका एक नंबर क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, अंतराल दिया है 1.3, यहां देख रहे हैं एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1.3 में संतत और खुला अंतराल 1.3 में अवकलनीय होगा, ठीक है, संतत भी होगा और अवकलनीय भी हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एफ वन का वैल्यू, फंक्शन में रखेंगे 1 का स्क्वायर 4 × 1 + 3 तीन एक चार, चार में चार गया जीरो, एफ थ्री का वैल्यू निकालो 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 + 3 9 − 12 + 3 9 × 3 = 12 गया जीरो, तो हमने देख लिया कि एफ वन जो है एफ थ्री के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रॉल्स थ्योरम प्रयोग हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ संतत भी हो गया अवकलनीय भी हो गया और इनके वैल्यू भी बराबर हो गए, तो भाई रॉल्स थ्योरम से, तो उससे पहले हमें इसका अवकलज्ञ प्राप्त करना होगा ना जी। चलिए एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 2x − 4। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एफ डैश सी बराबर में 2c − 4, अब लिखो बाई रॉल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश सी बराबर जीरो, क्योंकि संतत था और कलनीय था और एफ वन एफ थ्री के बराबर, इसलिए एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि 2c − 4 = 0, 2c = 4 यानी c = 4/2 कट जाएगा 2 बार, सी का वैल्यू 2 आ गया, तो सी बिलोंग करा है ना 1 और 3 के बीच, सत्यापित हो गया, समझ गए ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसमें के सत्यापित करने हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 4x² - 12x + 9 0.3 में, इसके रॉल्स थ्योरम को सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं, एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 0.3 में संतत और खुला अंतराल 0.3 में अवकलनीय होगा। ठीक है, चलिए संतत और अवकलनीय हो गया। अब f 0 की वैल्यू निकाल रहे, तो 4 × 0² - 12 × 0 और प्लस में 9, तो ये सारे 0 हो गए, आपका 9 बच जाएगा। चलिए एफ 3 निकालते हैं, तो 4 × 3² - 12 × 3 और प्लस में 9, 3² + 9 = 36 और यहाँ 12 × 3 = 36 प्लस 9, ये तो कट जाएगा, यहाँ भी 9 आ गया। तो हमने क्या देखा कि एफ 0 एफ 3 के बराबर भी हो, तो अब हम लोग रॉल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका एफ एक्स क्या दिया है, 4x² - 12x + 9। ध्यान रखना, रॉल्स थ्योरम का प्रयोग तभी होगा जब वो संतत हो, अवकलनीय हो जाए इस अंतराल पे, और यह बराबर हो तभी तभी हम लोग लिखेंगे, नहीं तो यहीं पे लिख देते। अगर तीनों में से कोई भी नहीं होगा ना, तो लिख देंगे रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां से एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, 8x - 12। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई रॉल्स थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, एफ डैश सी बराबर में 0। तो ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 8c - 12 = 0। यहां से 8c = 12, सी बराबर में हो जाएगा आपका 12/8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, सी क्या वैल्यू, 3/2। तो ये लाई कर रहा है कि नहीं, 0 से 3 के बीच में, बिल्कुल है, यहां से यह सत्यापित हो गया, समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं 5 का 3 नंबर, यहां भी ये बहुपद फलन है, एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 0.4 में संतत और खुला अंतराल 0.4 में अवकलनीय होगा। तो संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। चलिए अब एफ 0 का वैल्यू निकालो, तो जगह 0 × 0 - 4² तो ये -4² × 0 ही आएगा। एफ 4 निकालो, तो 4 (4 - 4² तो 4 × 0² आपका 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एफ 0 एफ 4 के बराबर हो गया, तो यहाँ रोल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है। चलो एफ एक्स बराबर में दिया आपके पास x × x - 4² इसको डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में, यू इंटू बी पे करो, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, x - 4² वैसे ही, प्लस एक्स को वैसे ही रखिए और इसका डिफ्रेंसिएशन, तो पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, और x - 4 का डिफ्रेंसिएशन 1। यहाँ x - 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 1 x - 4 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर आपका 2x बचेगा। चलिए तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर में आ जाएगा x - 4 और यहाँ पर आपका 3x - 4 है ना, 2x और x, 3x - 4 हो जाएगा, यही ना होगा आपका। चलिए चलिए अब बाई रॉल्स थ्योरम। चलिए रॉल्स थ्योरम से एफ डैश सी बराबर में 0, तो यहाँ पे रख दो सी, तो हो जाएगा c - 4 × 3c - 4 = 0। अलग अलग करो, c - 4 = 0 और 3c - 4 = 0, तो यहाँ c = 4 और यहाँ से 3c = 4 और c = 4/3। तो देखो
यहाँ पे यह जीरो से फोर के बीच में है ना जी, जीरो से फोर के बीच में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है इसकी बात हटा दो, हमें कम से कम एक बिंदु चाहिए ना जिसपे वो लाई करना चाहिए, कम से कम एक बिंदु होना चाहिए जो उनके बीच जीरो और फोर के बीच में होना चाहिए था। तो यहाँ ये नहीं हो रहा उससे क्या फर्क पड़ता है, एक तो आ गया ना सत्यापित, एक लाई नहीं कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कम से कम एक बिंदु होना चाहिए ये दिखाना था। चलिए पांच का सेवन नंबर देखो, यहां भी देख रहे हैं कि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल 0.3 में संतत और खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल 1.3 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। चलिए ये संतत और अवकलनीय हो गया। अब देखो अब हमें एफ वन का वैल्यू निकालना होगा, तो 1 का क्यूब माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का 11 गुना 1 माइनस में 6 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 6 6 माइनस 12, ये प्लस का 12 तो घटेगा, 0 आ जाएगा। एफ थ्री निकालते हैं यानी 3 रखेंगे इसमें, 3 का क्यूब माइनस 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 3 माइनस का 6, तो यह 27, 3 का स्क्वायर 9 और 6 नवा 54 प्लस में 33 और माइनस का 6। चलिए यहां भी देखो ये दोनों को जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा और ये दोनों भी 60, 0 आ गया। यहाँ भी हमने दिखा दिया कि F1 जो है F3 के बराबर है, तो जब ये संतत हो अवकलनीय दोनों हो गया और यहाँ वैल्यू भी बराबर हो गया F1 का F3 के, है ना, तो अब हम लोग Fx बराबर लेते हैं जो दिया है फलन। Fx बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस 6, या अब रोल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये सभी शर्तों को फॉलो कर रहा है, इसलिए अब हम लोग बनाएंगे इसको f डैश x बराबर में हो जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का 11, यही ना हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं बाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, f डैश c बराबर में 0, तो यहाँ c रख दो, 3c² माइनस का 12c प्लस का 11 बराबर 0, यहाँ गुणनखंड तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे द्विघात सूत्र लगा देते हैं, c बराबर हो जाएगा माइनस b यानी माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 11 और बटा में आपका 2 × 3। फॉर्मूला जानते हैं ना जी द्विघात सूत्र, यहाँ प्लस का 12 प्लस माइनस 12 बराबर 144 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 में 11 से गुना करो तो 12 में 11 से गुना होगा तो 132 आ जाएगा, 12 गुना 11 है ना जी, वही 132 आ जाएगा, 132 ठीक है, बटा में आपका 6। चलिए यहाँ पे देखो c बराबर में 12 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा और बटा में 6, तो c बराबर में 12 प्लस माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा 2√3 और बटा में 6, ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, तो ऊपर से आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो 6 + √3 और बटा में 6, इसको काट देते हैं 3 से, तो यहाँ है ना 3 बार में कट गया, तो c बराबर आ गया 6 + √3 बटा में आपका आ गया 3, ठीक है। तो यह जो है बिलोंग्स कर रहा ना किसके किसके बीच में, तो आपका 0 से 4 था ना जी, 0 से 4 था या 3 था, 1 से 3 के बीच में, या 1 से 3 के बीच में हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता है, आप देखो ना यहाँ पे सिंपल देखो, यह रूट 3 का वैल्यू 1.73, 6 में जुड़ेगा तो 6 और 1 7.73 होगा, 3 से भाग होगा तो इसके बीच में ही ना आएगा जी, है ना, उसी तरह घटाएंगे तभी इसी के बीच में आएगा, ये लाई कर रहा है तो ये आपका सत्यापित हो गया, क्लियर है।
चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।